रानी, आपकी पार्षद का नाम भी रानी का लड़ा ही है। हाँ जी, तभी नहीं सुनवाई हुई, तभी वो सुनती नहीं है किसी की। जितनी दफा मर्जी चले जाओ वहाँ, चलो हम आ रहे हैं, चलो हम आ रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं है ना। सुनो, हमारी आके नालियों में इतना गंद पड़ा हुआ है, नालियों से गंद निकालेंगे तो वहाँ रख देंगे जगह, 15 दिन वो सुनते नहीं है। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਚ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਰਾਨੀ ਕਾਲੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਨੇ ਅਸੀਂ, ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਟੁੱਡੇ ਖਾਓ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਧੱਕੇ ਖਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। मैं पहुंच चुकी हूं यमुनानगर के हमीदा के अंदर, और यहां पर हमीदा में बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, क्योंकि इनका मानना है कि सरकार हर जगह नारा लगाती है स्वच्छ भारत अभियान का, सबके साथ सबके विकास का, लेकिन आज इन्होंने इस नारे को लेकर इसकी एक बड़ी तस्वीर के चलते हमें हमीदा के अंदर बुलाया है। एक बार इनकी समस्याएँ जान लेते हैं, इनकी मुद्दे जान लेते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज हमीदा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ सबका विकास की जो धज्जियां हैं वो उड़ती नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। मैं महिलाओं से जान लेती हूं क्या इनके मुद्दे हैं, और ऐसे में चुनावी घड़ी नजदीक आ चुकी है, किस तरह से यमुनानगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये माहौल देख रहे हैं, वो तमाम चीजें मैं इनसे जानती हूँ। सबसे पहले एक आंटी हमारे साथ है, नमस्कार आंटी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मनजीत कौर। बलजीत कौर? मनजीत। मनजीत, मनजीत जी आपने आज यहाँ पे हमें बुलाया है, क्या समस्या आई है आपकी? यार पानी की बहुत समस्या है, पानी नहीं आता, और गंदगी बहुत है, नालियों में इतनी गंदगी है, बार बार बुलाते हैं कोई आता नहीं है, बहुत ज्यादा गंदगी है। पार्षद को नहीं बताया आपने? पार्षद को नहीं बताया आपने? बताया, हमने सबको बताया है, कोई भी सुनता नहीं, सुनवाई नहीं, सुनवाई बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ पानी की। कब से आ रही है ये समस्या? ये तो बहुत देर से आ रही है ना, कभी आता है 10 दिन में 2 बार आ जाता है, फिर बंद हो जाता है, बस ऐसे ही आता है। तो पानी के बिना तो कोई काम नहीं होता? हाँ जी। तो क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? पता नहीं, देख के जाते जाते आ जाएगा, आता कोई नहीं है पानी इधर। हाँ जी, कोई भी नहीं आ रहा ना। हाँ जी मैम, क्या समस्या आ रही है आपके यहाँ पे? बस यही समस्या मेन तो पानी की है, पानी आता नहीं है रेगुलर, और पानी के बिना कोई काम नहीं है, अगर आएगा तो वो पूरा गंदगी वाला पानी आएगा। और फोन कर करके उधर भी नालियों का इतना ढेर लगा होता है ना कूड़े का, बुलाओ तो वेट कर करके आएंगे, उनको निकालने के लिए बुलाओ, फिर उठाने के लिए बुलाओ, ये सबसे बड़ा इशू। आप यहाँ पे मेयर थे, MCN के पास नहीं गए आप? कितनी बारी तो फोन हो चुके हैं, क्या बस केयर करते ही नहीं है, सुन लेते हैं फिर भूल जाते हैं, इलेक्शन के टाइम याद आएगा उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो इलेक्शन तो दोबारा से आने वाले हैं, अब फिर से आ जाएंगे। तो यही है ना, पार्टी का 10 साल का कार्यकाल आप किस तरह से देख रहे हैं, कैसी लगी आपको भारतीय जनता पार्टी? हमें तो ये सरकार किसी काम की नहीं लग रही है, हमें तो अच्छी नहीं लग रही। अगर हमारे हक के लिए चलेंगे तभी ना। क्यों ये गंदगी इतनी पड़ी है, गंदगी तो उठा नहीं रहे हैं। उसने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। क्या काम किया आप बताएं ना, क्या हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब चुनावों की घड़ी दोबारा से आ रही है, फिर से आएंगे कैंडिडेट, आएंगे आपके आगे झोली फैलाकर हाथ जोड़कर, कैसे इस बार यमुनानगर में देख रहे हैं? हम तो दिलबाग को देखेंगे, दिलबाग। अच्छा, और वो हमारी सुनाई वो अच्छा है, वो पहले भी थे हमारी, सुनते थे बात, सुनते थे। हाँ जी, उनसे उम्मीदें हैं? हाँ उम्मीदें हो सकता है दिलबाग जी भी बन जाएंगे तो शायद ना आपके काम करवाएं, क्या लगता है? फिर देखी जाएगी आगे, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आंटी क्या नाम है आपका? रानी। रानी, आपकी पार्षद का नाम भी रानी कालड़ा ही है? हाँ जी। तभी नहीं सुनवाई हुई, तभी वो सुनती नहीं है किसी की। जितनी दफा मर्जी चले जाओ वहाँ, चलो हम आ रहे हैं, चलो हम आ रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं है ना। सुनो, हमारी आके नालियों में इतना गंद पड़ा हुआ है, नालियों से गंद निकालेंगे तो वहाँ रख देंगे जगह, 15 दिन वो सुनते नहीं है, कूड़े वाले 10 दिन आएंगे और 15 दिन वो आते ही नहीं है। तो सरकार तो नारा लगाती है सबके साथ सबके विकास, वो विकास हम उनको भी बोलते हैं कि कौन सा विकास हो रहा है जो कूड़ा लेने नहीं आते हो आप। इस बार यमुनानगर में किसको वोट देने का इरादा बनाया?
दिलबाग सिंह नाम नहीं आ रहा दिलबाग सिंह हाँ जी उन्हां दी कोई खासियत इदां दी जिन्नू लैके तुसीं वोट पाउण लगे हो खासियत ऐ है कि पहले भी काम करदे सीगे पहले भी उन्होंने काम किया है हुण भी करनगे हुण भी सुनणगे साडी नहीं इस तरह किस तरह हो सकता जरूर सुनणगे मतलब आशीर्वाद दे रहे हो तुसीं बिल्कुल देंगे हाँ जी की समस्यावां आ रहियां ने समस्या एक पानी दी एक खास कूड़े दी कूड़ा तो बिल्कुल ही नहीं कोई चुकता आके चार महीने हो गए पानी पे कूड़ा इन्ना पिया इन्ना गंदगी बीमारी का घर बनता पिया पूरा इन्ना कूड़ा है तो ना नालियाँ साफ करन अज तक झाड़ू लगाने कोई आया सरकार तो असी सानू बहुत ज़्यादा शिकायत हैगी है कोई सुनवाई बिल्कुल नहीं हैगी उस चीज़ की दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं देखो दिलबाग सिंह नू सपोर्ट करांगे जे वो करनगे तो कुछ अच्छा एवं तो कांग्रेस उम्मीदवार भी बहुत सारे अगे आ रहे हैं कांग्रेस नू नहीं मौका देना इस बार चलो कोई देखते हैं जी अच्छा काम करेगी वास्ते तो सिखा सुनवाई सुनवाई होगी इना रोष बीजेपी पार्टी लैके महिला टुटे खाओ चाहे जो मर्जी धक्के खाओ जो मर्जी करो कोई नहीं सुनता इलेक्शन आने वाला है सरकार नु कुछ कहना चाहोगे साडे चैनल वालों सरकार नु यही कहना चाहवांगे सुधार करो मतलब देखो सानू देखो सारी प्रॉब्लम तो जनानियां नू ना बंदियां दे सवेरे जाना उन्हें शाम नू आना प्रॉब्लम तो साड़ी है बिल्कुल नालियां च मच्छर है ना मनोज नाम है समस्या ये है कि गली आप देख रहे हो सारी टूटी पड़ी है ये जब से बनी है तब से टूटी पड़ी है ये और इस गली के लिए सबके साइन करवाए थे हमने रिटर्न में एक एप्लीकेशन लेके हम नगर निगम में एमसी जो हमारे हैं वो अपना रानी का लॉग देके आए थे वो था थे नहीं उनको फ़ोन भी किया कि हम गली वाले आए हैं आपसे मिलने के लिए हमारी ये समस्या है ये गंदगी पड़ी है यहाँ पे तो मरे जानों तक लोग फेंक के चले जाते थे यहाँ की फोटो भी उनको व्हाट्सएप करी हमने पिछले 7-8 महीने से लगातार फॉलोअप भी कर रहे हैं वो मिड डे में भी आया था तब भी बोला कि हमारी गली में आओ हम भेज देंगे बंदा लेकिन कोई समस्या का हल नहीं है आप देखो बारिश के दिनों में ये सारी नाली भर जाती है सारी गंदगी बढ़ जाती है कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है कहाँ कहाँ आपने एप्लीकेशंस दी है या नगर निगम में अपने एमसी को देके आते जाके वहाँ देखे हाँ उनको फोन भी पड़े नाते उन्होंने ये तमाम महिलाओं की समस्या को कभी नहीं समझा ना जी ना गली में भी देखने भी नहीं आएगी वो तो इलेक्शन आने वाला है दोबारा से क्या सोच रहे हैं इस बार बस सोच ही रहे थे अब तो सोच ही लिया सबने सोच लिया क्या सोचा है कुछ अच्छा ही सोचेंगे आगे भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं नहीं, नहीं 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 बिल्कुल भी इतना रोष है हाँ बिल्कुल ये गली नहीं बनी हमारी समस्या तो यही है ना यहाँ से डेली निकलना हमारे रिश्तेदार भी आते हैं यहाँ पे हाँ। कि क्या तुम गंदगी में रहते हो क्या बोलते होंगे चुनावों में कुछ ही समय बाकी है हो सके इस समस्या का समाधान ही हो जाए शायद करवा दे इलेक्शन से पहले देखो करा दे तो वो अलग बात है लेकिन 10 साल में नहीं हुआ इलेक्शन टाइम करेंगे तो बात अलग है हाँ वो नहीं लेकिन हाँ जी माता जी क्या नाम है सावित्री जी कहाँ से आई है बस इसी गली में से आए आपको क्या समस्या आ रही है यहाँ पे बस ये है कि भाई नाली गंदी होती है कोई कूड़ा साफ करते नहीं है जी क्या करें ये आगे भी देख लो कितना गंदा पानी भी नहीं आता पानी भी नहीं आता कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ आती हैं बस कभी कभी आती है वो भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है ना जी सरकार को टैक्स पे करते हो मैंने तो करा नहीं बस करने वाले तो इन लोग हैं जी गाँव सरकार को टैक्स नहीं दे रहे आप लोग एक एक चीज पे सरकार टैक्स लेती है आपसे नहीं ले रही है ना जी हाँ जी की नाम है तड़ा मेरा नाम गीता है गीता हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे हमारी नालियों की बहुत ज़्यादा समस्या है एक तो नालियाँ अंडरग्राउंड डाली हुई हैं एक तो उनके ऊपर ढक्कन नहीं है बरसात के दिनों में पानी इतना भर जाता है हमारे कमरे तक अंदर आ जाता है और इतनी परेशानी होती है पानी निकालने में और सारा गंद एक तो अंदर सीवरेज नहीं डाले हुए छोटी नालियों छोटी गलियों में और सीवरेज का सारा गंद हमारे अंदर कमरे में आ रहा है बहुत ज़्यादा परेशानी है दिक्कत है और जो नालियों में जो गंद डालते हैं तो उनको फ़ोन कर करके बुलाना पड़ता है कि हमारे नाली के ढक्के निकाल दो साफ़ नहीं करने आते
के ऊपर भी स्लैब नहीं है, नहीं है स्लैब हमारी, चाहे कोई गिर जाए किसी के साथ, हाँ जी पानी इतने इतना भर जाता है हमारा, निकलना बहुत मुश्किल हो जाए। और गायें हमारे इतनी आती है ना वहाँ पे, गली में गोबर कर जाते, गोबर उठाने वाला भी कोई नहीं। यमुनानगर में इस बार किसे बनाने का इरादा है? दिलबाग को बनाएंगे। दिलबाग, हाँ जी। दिलबाग जी को ही क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे भी हमारी सपोर्ट की है, सुनी है हमारी। आगे की है या पहले की है? पहले की है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐसा है कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गंदगी है, वो देखो वहाँ सामने, मैं तो आपको लाइव वहाँ दिखा सकती हूँ। हाँ। लोग कब फेंक जाते हैं पता ही नहीं चलता है। आप आइए उधर आइए, देखिए ये महिलाएं हैं जिनके अंदर इतना ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमीदा के अंदर कोई काम नहीं हुआ, जबकि यहाँ की जो पार्षद है वो रानी कालड़ा है, एक महिला होने के नाते वो एक महिला, मतलब महिलाओं की जो मतलब उनका जो, उनकी जो समस्या है उनका कभी समाधान करने के लिए यहाँ नहीं पहुँची। आप तस्वीरें देख सकते हैं, हमारा प्लॉट है। हाँ। ये प्लॉट के आगे ये पड़ा हुआ है, ये प्लॉट के अंदर यहाँ जाने के लिए ये नालियाँ हैं, ये बंद ही जाम ही पड़ी हुई है, इन पे तो कुछ वो हुआ ही नहीं है। और कितना यहाँ पे मच्छर मक्खी कितना पैदा होता होगा, वो कितना कितनी परेशानी है। और ये यहाँ पे कुछ वो ये भी नहीं है, रात को कोई चौकीदार नहीं होता है। रात को हमारी यहाँ पे फैक्ट्री में हमारी, चलो फैक्ट्री बंद पड़ी है किसी कारण से, तो ये फैक्ट्री में बच्चे घुस जाते हैं, यहाँ से चोरी करके भाग जाते हैं, रात को भाग रहे हैं, कभी कोई भाग रहा है, चोरी या चोरी का भी यहाँ पे कोई वो नहीं है। हमारे को हम लोग को इतना डर लगता है, सेफ्टी हमारी बिल्कुल भी नहीं है। और गंदगी तो है ही है ना, इससे आप देखो बारिशों के मौसम में बीमारियाँ नहीं फैलेंगी, कितनी बीमारियाँ फैलेंगी। और सब जी जी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आखिरी में इलेक्शनों की घड़ी नजदीक आ चुकी है, हो सकता है हमारी चैनल के जरिए शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाए। हम लोग तो चाहेंगे कि कोई ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों की समस्याओं को देखे। यहाँ पे जो ये इतनी एजुकेशन हो गई है, सब इतना सब बढ़ गया है, पर उसके बावजूद भी हम लोग तो ऐसे रह रहे हैं ना, जैसे कि ये गाँव क्या है, गाँव से भी बदतर जिंदगी लग रही है। चलिए इलेक्शनों की घड़ी नजदीक आ चुकी है, ऐसे में यमुनानगर में कौन सा अपना मन पसंदीदा विधायक बनाने का इरादा ठाना है, किसको बनाने वाले? हम तो चाहेंगे कि दिलबाग सर आए, तो दिलबाग सर आए, क्योंकि किसी नए को अगर हमारे को पता चले कि अब वो क्या करते हैं, क्योंकि मैं इतने सालों से मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, यहाँ पे शादी करके आई हूँ, पर लेकिन मैंने यहाँ पे सफाई नहीं देखी, यहाँ गंदगी बहुत देखी है। मैं तो यहाँ से खिड़की भी खोलना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि नीचे मुझे लगता है कि पता नहीं कितना गंदगी और वो सब मेरे घर के अंदर आ जाएगी। चलिए तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हक की बात करती है, और यहाँ पर महिलाओं के अंदर इतना रोष देखने को मिल रहा है। पिछले कितने साल बीत चुके हैं, लेकिन इनकी जो समस्याएं हैं वैसी की वैसी खड़ी हैं। यहाँ पर बरसाती जैसे मौसम में गटर के ऊपर स्लैब नहीं है, कूड़ा करकट उठाने वाली जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर नहीं आती हैं, पानी की निकासी मतलब कोई यहाँ पर किसी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। और आज इन महिलाओं के अंदर रोष देखने को मिल रहा है। और हमीदा की ये जितनी महिलाएँ हैं, इन्होंने यमुनानगर में आने वाले चुनावों में इनेलो से पूरा विधायक दिलमाग सिंह को अपना कीमती वोट देने का इरादा बनाया है। देखते हैं क्या तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं। लेकिन हमीदा के अंदर दिलबाग सिंह जी को जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो अपना भरपूर समर्थन देते नजर आ रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से अपील रहेगी इस खबर को शेयर करें, क्योंकि हमीदा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कार्यकाल खत्म होने को आ रहा है, लेकिन लोग वैसे के वैसे परेशान हैं, वैसे ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के हर नारे की धरातल पर धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। तो प्लीज मेरी इस खबर को देखने वाले इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के हमीदा से मंदीप कौर की रिपोर्ट।